Hello and welcome back to my channel, Legal Legal. I welcome you all to lecture 3 of Competition Act series. हमने lecture 1 के अंदर पढ़ा था कि इंडिया के अंदर कैसे competition law का evolution हुआ. Lecture 2 में हमने पढ़ा कि international evolution कैसे हुआ competition law का. Lecture 3 के अंदर मैं लेकर आई हूँ MITP Act and Competition Act का difference. ये दोनों act हमने lecture 1 के अंदर पढ़े थे. हमने देखा था कि क्या कैसे डेवलपमेंट हुआ, तो MITP एक्ट से हम लोग कॉम्पिटिशन लॉ की तरफ किस तरह से गए, ये हमने लेक्चर 1 में पढ़ा था. अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देखा है तो वो आपको ऊपर आई ऑप्शन में दिख जाएगा, वो ज़रूर देख लें देखने से पहले. तो हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंसेस से, MITP एक्ट और कॉम्पिटिशन एक्ट के डिफरेंसेस से स्टार्ट करते हैं. तो एम ऑफ द एक्ट, पहला बेसिस ऑफ डिफरेंसिएशन है हमारा एम ऑफ द एक्ट, कि MITP एक्ट एंड कॉम्पिटिशन एक्ट के क्या एम थे. तो MITP एक्ट का एम था टू रिस्ट्रिक्ट मोनोपोलीज एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस. इन्होंने बोला कि हमको मोनोपोलीज एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को रिस्ट्रिक्ट करना है. एक तरीके से नेगेटिव एम था ये, जैसे कि हम फंडामेंटल राइट्स एंड DPSP में पढ़ते हैं कि फंडामेंटल राइट्स हमारे नेगेटिव राइट्स हैं और जो DPSPs हैं वो एक तरीके से पॉजिटिव होते हैं. तो उसी तरीके से जो MITP एक्ट था वो नेगेटिव है कि हमें क्या चीज़ नहीं करनी है. ऑन दी अदर हैंड कॉम्पिटिशन एक्ट हमें बताता है कि टू हमें उसका एम क्या है, कि हमें कॉम्पिटिशन को प्रमोट करना है, हमें फ्री ट्रेड को प्रमोट करना है. तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है कि हमें क्या करना है. तो MITP एक्ट में ये बताया गया कि हमें क्या नहीं करना है, हमें मोनोपोलीज नहीं बनने देनी है और रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हमें नहीं करने देनी है. वेयर एज कॉम्पिटिशन एक्ट हमें बताता है कि हमें कॉम्पिटिशन को प्रमोट करना है और फ्री ट्रेड को प्रमोट करना है. अगला बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन है हमारा नेचर ऑफ द एक्ट. MITP एक्ट और कॉम्पिटिशन एक्ट का नेचर, बेसिकली उनका ज्यूरिसप्रूडेंस क्या है, कि वो किस बेसिस पे लेके अपना एक्ट का जो उनका जनरेट ओरिजिनेशन उनका हुआ है उसका बेसिस क्या था, उनका नेचर क्या है. MITP एक्ट का नेचर था रेफर्मेटरी. रेफर्मेटरी नेचर हमने पनिशमेंट थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट के अंदर भी पढ़ा है. रेफर्मेटरी क्या होता है, रेफर्मेटरी के अंदर अगर कोई एक इंसान कोई गलती करता है तो इस टाइप के नेचर में ही हमारा जो मेन एम होता है वो ये होता है कि हम उस इंसान को चेंज करें. तो MITP एक्ट ने बोला कि भाई अगर आपने कोई गलती की इस एक्ट के अंदर या फिर आपने कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस की तो हम सीज एंड डिजिस्ट लगाएंगे, हम आपको बोलेंगे कि आप वो काम करना बंद कर दो और आगे नहीं करने देंगे. सीज एंड डिसिस्ट का प्रोसीजर MITP एक्ट ने फॉलो किया, पर यहाँ पे कोई भी पनिशमेंट नहीं थी. ये चीज़ ठीक की कॉम्पिटिशन एक्ट ने, क्योंकि इसका नेचर था प्यूनिटिव. यहाँ पे मेकर्स ने ध्यान रखा कि इस टाइप की मिस्टेक्स अगर कोई ट्रेडर करता है तो प्यूनिटिव पनिशमेंट्स होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं. तो इसी वजह से कॉम्पिटिशन एक्ट का जो नेचर है वो प्यूनिटिव है और MITP एक्ट का जो नेचर है वो रेफर्मेटरी है. और ये एक MITP एक्ट की कमी भी थी कि इसके अंदर इनफ पनिशमेंट्स नहीं थी, रेमेडीज़ ही नहीं थी, कि अगर कोई इंसान गलत काम कर भी रहा है तो उसके लिए अगर आपने रेमेडी ही नहीं दी तो फिर उसको लिख कर क्या फ़ायदा कि ये काम गलत है. इसका एक एग्जाम्पल हम ऐसे समझ लेते हैं, जैसे कि अगर हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं पर अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 32 ही ना होता तो हम उन फंडामेंटल राइट्स का क्या करते. तो उसी तरीके से MITP एक्ट के अंदर रेमेडीज़ ही नहीं थे, पनिशमेंट्स ही नहीं थे, उन्होंने सीज एंड डिजिस्ट का तरीका अपनाया. थर्ड बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन है डोमिनेंस. डोमिनेंस जो है वो दोनों एक्ट्स के अंदर अपने अपने तरीके से डिफाइन की गई थी. डोमिनेंस का मतलब यहाँ पे बेसिकली ये है कि एक मार्केट के अंदर कोई एक पर्टिकुलर ट्रेडर कितना ज़्यादा डोमिनेंस मेंटेन करता है एक मार्केट के अंदर. तो MITP एक्ट ने कहा कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई उस बेचारे ट्रेडर की चीज़ें बिकती भी हैं या नहीं बिकती, हमें बस इतना फ़र्क पड़ता है कि उसका साइज़ कितना है. तो अगर आपकी गली के अंदर एक बड़ी शॉप है और उसका सामान नहीं बिकता है और एक छोटी शॉप है उसका सामान सारा बिकता है, तो MITP एक्ट के अकॉर्डिंग हम डोमिनेंस किस दुकान की मानेंगे, जिस जो दुकान साइज में बड़ी है. तो ये बहुत ही ज़्यादा फॉल्टी कंसेप्ट था और ये कमी भी थी MITP एक्ट की, जिसको सॉल्व किया गया कॉम्पिटिशन एक्ट के अंदर. उन्होंने बोला कि यहाँ पे हम मार्केट पेनिट्रेशन ऑफ द फर्म के हिसाब से डोमिनेंस डिस्कस करेंगे कि किस फर्म की मार्केट पेनिट्रेशन कितनी है. जैसे कि मैंने बोला कि अगर एक छोटी दुकान से भी ज़्यादा सामान खरीदा जा रहा है, उसकी ज़्यादा सेल है,
तो उसकी डोमिनेंस उस जगह पर ज्यादा है बेसिकली। तो ये चीज जो एमएटीपी एक्ट के अंदर एक लूप होल था वो कॉम्पिटिशन एक्ट के अंदर सॉल्व किया गया। अगला बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन है हमारा ऑफेंसेस। मैंने आपको बताया कि एमआरटीपी एक्ट का जो नेचर था वो रेफर्मेटरी था, पर फिर भी इसके अंदर 14 ऑफेंसेस लिखे हुए थे कि 14 टाइप के एक्ट्स ऐसे थे, 14 टाइप के एक्ट्स ऐसे थे जो कि ट्रेडर्स नहीं कर सकते थे। वेयर एज कॉम्पिटिशन एक्ट के अंदर ओनली 4 ऑफेंसेस थे। अब आप बोलोगे कि भाई इन्होंने तो ऑफेंसेस कम कर दिए तो प्यूनिटिव नेचर कैसे हो जाएगा? इसका सीधा आंसर यही है कि भले ही एमआरटीपी एक्ट में 14 ऑफेंसेस थे पर उन ऑफेंसेस के लिए कोई पनिशमेंट ही नहीं थी, और कॉम्पिटिशन एक्ट में अगर केवल 4 ऑफेंसेस भी हैं तो भी उसके अंदर पनिशमेंट थी, तो इसीलिए इसका जो नेचर है वो प्यूनिटिव हो जाता है। अगला जो हमारा बेसिस ऑफ डिफरेंशन है पेनल्टी, डिफरेंसिएशन है वो है पेनल्टी, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि भले ही 14 ऑफेंसेस थे इस एक्ट के अंदर पर कोई पेनल्टी ही नहीं थी, तो क्या फायदा इस 14 ऑफेंसेस को ऑफेंसेस बोलने का? बस ये हो गया कि हम अगर आपने इन 14 में से कोई एक कोई भी एक्ट किया तो हम आपको वो नहीं करने देंगे, पर ना करने देने के लिए कोई पनिशमेंट रखी ही नहीं है एमआरटीपी एक्ट के अंदर। कॉम्पिटिशन एक्ट के अंदर ऑफेंसेस भले ही 4 थे पर उन्हें पेनलाइज कर दिया गया, उसके अंदर पनिशमेंट्स रखी गई, उनको पेनल्टीज, उनके ऊपर पेनल्टीज इम्पोज की गई। तो ये लूप होल एमआरटीपी एक्ट का भी कॉम्पिटिशन एक्ट ने ठीक किया। अगला बेसिस ऑफ डिफरेंसिएशन है हमारा अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन। अब यहाँ पर एक पहले पॉइंट समझते हैं, हमारे इंडिया में इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन को एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाया गया है, उसके जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं वो सब भी इंडिपेंडेंटली होते हैं, गवर्नमेंट का उस पर कोई भी डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता है। इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न ये है कि अगर इस टाइप के इलेक्शन कमीशन जैसे इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इनफैक्ट कमीशंस के अगर जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट करने लग जाएगी तो क्या होगा? इसका रिजल्ट ये निकलेगा कि जो अपॉइंटेड ऑफिसर्स हैं जिन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही अपॉइंट किया है वो कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए बायस्ड रहेंगे। तो ये प्रॉब्लम थी एमआरटीपी एक्ट में कि अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन, जो कमेटी एमआरटीपी एक्ट ने बनाई उस कमेटी का जो चेयरमैन था वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती थी यहाँ पे। तो ये एक बहुत ही बड़ा इशू था कि जब आपने अपने चेयरमैन को, जिसके पास सारे काम है कि वो सारे डिस्प्यूट सॉल्व करेगा, ऑफेंसेस देखेगा, सीज एंड डिजिस्ट करेगा, सारी की सारी चीज़ें, ड्यूटी जिस इंसान के पास है, अगर उसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही अपॉइंट किया है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए बायस्ड रहेगा ही रहेगा। तो इस चीज़ को सॉल्व किया कॉम्पिटिशन एक्ट ने। कॉम्पिटिशन एक्ट ने बोला कि जो चेयरमैन है वो कैसे अपॉइंट होगा? बाय अ कमिटी ऑफ रिटायर्ड जजेस एंड अदर स्पेशलिस्ट इन द फील्ड, कि एक कमेटी बनाई जाएगी और उस कमेटी में रिटायर्ड जजेस होंगे और कुछ स्पेशलाइज्ड लोग होंगे जो कि उस फील्ड के लिए, फील्ड में बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड हैं। तो वो कमेटी जो है वो लोगों को, वो ऐसे सॉरी चेयरमैन को अपॉइंट करेगी। ये लूप होल भी एमआरटीपी एक्ट का कॉम्पिटिशन एक्ट ने सॉल्व कर दिया। अगला जो बेसिस ऑफ डिफरेंस है वो है अग्रीमेंट। अग्रीमेंट्स का यहाँ पे मतलब ये है कि जैसे किसी भी दो ट्रेडर्स के बीच में अगर कोई अग्रीमेंट हुआ है, कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो वो कैसा रजिस्टर्ड होना चाहिए, अनरजिस्टर्ड होना चाहिए। एमआरटीपी एक्ट के अंदर सारे के सारे छोटे या बड़े हर तरीके के अग्रीमेंट्स रजिस्टर्ड होने ज़रूरी थे, तो इस चीज़ को यहाँ पे कॉम्पिटिशन एक्ट में चेंज किया गया कि कोई भी प्रोविजन डाला ही नहीं रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, कि आपको रजिस्टर करना है तो आप अपना कॉम्पिटिशन एक्ट के अंदर आप गवर्न होंगे, हम आपको कोई स्पेशल प्रोविजंस नहीं दे रहे हैं जो कि एमआरटीपी एक्ट ने दिए थे। अब इसका एक रीज़न है, इसका मतलब इसका बेसिक रीज़न क्या आप पूछोगे कि कॉन्ट्रैक्ट रजिस्टर तो होना ही चाहिए, यहाँ पर ये रीज़न था कि बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो कि जनरल पब्लिक को इफेक्ट नहीं करते हैं, अगर करते भी हैं तो वो फिर भी ऐसे नहीं होते जो कि हर एक कॉन्ट्रैक्ट सारे के सारे पब्लिक में पता होना ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन से जो मतलब रखा है एमआरटीपी एक्ट ने, उसका बेसिक मतलब ये था कि आपको रजिस्टर करके आपके सारे जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो सब पब्लिक इंफॉर्मेशन, पब्लिक स्ट्रेटा में आ जाएंगे। तो यहाँ इस चीज़ को सॉल्व किया था कॉम्पिटिशन एक्ट ने कि भाई ज़रूरी नहीं है कि हमको सारे के सारे एग्रीमेंट्स रजिस्टर करने ही है, आपकी मर्जी है आप कर लो, आपकी मर्जी नहीं है तो आप मत करो। तो बेसिकली
ये 7 डिफरेंसेस थे एमआरटीपी एक्ट एंड कंपटीशन एक्ट के अंदर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको कोई पॉइंट समझ ना आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं एंड मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से इसको सब्सक्राइब कर दें। ऑल्सो अगर आप इस टॉपिक के या फिर कुछ और टॉपिक्स के हैंड रिटन नोट्स चाहते हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप्स के लिंक्स मिल जाएंगे, उनको ज़रूर ज्वाइन करें। ठीक है, बाय, थैंक यू।